Assalamu alaikum students. This is our maths book for class 1. We can start our lesson from page number 1. Our first page about of getting ready for counting. Let's us colors. Count these objects in each group and write the number in the box. You can count these objects. These are 1, 2, 3, 4. You can write 4. Then color groups of 9 blue. आपने इन सब को count करना है. जो 9 numbers होंगे, आपने उनमें blue color करना है. Group of 5 yellow. आपने इन्हें count करना है. 1, 2, 3, 4, 5. You can write 5 and then color yellow. And groups of 4 red. 1, 2, 3, 4. You can count in these numbers and write and then color red. This is very easy for you. And turn the next page. Count these objects in each group and write the numbers. You can count these objects. These are fishes. These are bugs. You can count and write. 1, 2, 3, 4. You can write 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. You can write 13. The starting page of this book are very easy. Now we can turn the page number 3. Do you remember shapes? Shapes. Circle shape is red. Cake shape is pink. Cone shape yellow. Cube shape blue, rectangle shape green. You can see these pictures and identify the shapes. And there are some questions about of these shapes and about of this picture. Amir got dash gifts. ठीक है? आपने देखना है कि गिफ्ट किस शेप का है. आप ये जो गिफ्ट जिस शेप का है आपने उसी शेप में कलर करना है. जैसे ये स्क्वायर शेप है तो आपने स्क्वायर शेप में ब्लू कलर करना है. केक शेप में उन्होंने बताया हुआ है पिंक कलर है तो आपने इधर पिंक करना है. रेक्टेंगल शेप में इधर ग्रीन है तो आपने इधर ग्रीन करना है. और कोन शेप ये सारा बिल्कुल पता चल रहा है. डॉट्स जो हैं उनमें जैसे ये रेड है, ये जो छोटे-छोटे सर्कल हैं आप इनमें रेड कलर कर दें. ठीक है, जब आपको इन सब शेप्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो आपको जो सामने बिल्कुल उन्होंने सेम कलर्स दिए हुए हैं आप इजीली इन्हें कर सकेंगे. आमिर गॉट डैश गिफ्ट्स. अब आप खुद देखें कि आमिर के पास कितने गिफ्ट्स हैं. 1, 2. आप इधर 2 राइट कर दें. आमिर्स हैट हैज डैश डॉट्स. डॉट्स मीन ये जो छोटे-छोटे सर्कल बने हुए हैं. आमिर की हैट पे कितने डॉट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, यू कैन काउंट 8 डॉट्स एंड यू कैन राइट 8. Amir is dash years old. Amir जितनी मतलब इस केक पे कैंडल्स लगी होंगी उतनी ही आमिर की एज होगी. 1, 2, 3, 4, 5. You can write 5. Okay students. Saima's hat has dash dots. Saima के हेड पे कितने डॉट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay students. आमिर got dash marbles. Marbles mean ये छोटे-छोटे से ये जो circles हैं ये marbles हैं. 1, 2, 3, 4. You can write 4. Okay students. आपने इन्हीं में सबसे सब में अच्छी तरह पहले colors करने हैं. ठीक है, identification हो जाए. जैसे ये balloon है, balloon इधर circle में है. ठीक है, आपने circle में इधर red color करना है. कौन में ये सारे आपको clear हो रहे हैं बिल्कुल. आपका ये भी अच्छा सा colorful सा ये page ready हो जाएगा. फर्स्ट लेसन जो है मैं पेज नंबर 4 तक करवाऊंगी. ये सारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप्स हैं एंड पिक्चर्स हैं. ठीक है, तो फिर आपने सेम शेप्स देखनी है. जैसे ये है टिक द शेप्स इन ईच रो दैट आर द सेम. ठीक है, ईच रो में आप देखें दो शेप्स ऐसी होंगी जो सेम मतलब होंगी और आपने उनको टिक करना है एंड देन कलर दीज शेप्स. आप कलर कोई भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक बॉल है और एक ये
ऑरेंज है तो फिर हमने इनमें सेम कलर करना है और सर्कल शेप में है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो शेल्फ है या रो है उसमें हमने देखना है कि दो शेप्स जो सेम है। सेकंड में हमारे पास ये एक बॉक्स है और ये एक डाइस है हमारे पास, ये सारे ये स्क्वायर शेप में है, इनमें सेम कलर करना है। सिलेंडर शेप, दिस इज सिलेंडर शेप, वी कैन टिक एंड कलर। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है रेक्टेंगल, ये भी सिलेंडर शेप है और हमने पहले इन पे टिक कर लिया है, ठीक है। और फिर हमने सेम शेप्स पे हमने सेम कलर्स करने हैं। हमारा क्लास वन का जो फर्स्ट लेक्चर है जो आप अच्छी तरह इतना है रेडी कर लें, फिर नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो जाएंगी जो कि पेज नंबर 15 से है। एडिशन का टॉपिक है, फिर हमारा सब्ट्रैक्शन का टॉपिक आएगा। थैंक्स।